तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नबीहा अली खान, नो डाउट सब जानते हैं, बहुत प्यारी होस्ट हैं, तो आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, मूवी आपने देखी, हाउ इज योर फीलिंग, कॉमेंट्स? अमेजिंग और थ्रिल, एक्शन, लव, इम्पैक्ट, वो एहसास और एक ताल्लुक जिसके लिए, और फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज़ अ बिग सब्जेक्ट जिस पे मैं अभी काम कर रही हूँ एज अ माहिर नफ्सियात जो है, और बहुत सी जगहों पर आप मेरे इंटरव्यूज़ जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से देखेंगे। पूरी दुनिया में इस वक्त ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस हैं, खुद पाकिस्तान में भी 3 केस जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रिपोर्ट हो चुके हैं। तो इट्स अ वंडरफुल आइडिया, और इसको जिस तरीके से जो है वो इन्होंने कलेक्ट करके इसको कैनवस पे बिखेरा है, वेरी शॉर्ट मूवी, उससे जो है वो बहुत, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं इस तरह की जो आर्ट मूवीज़ होती हैं वो लाजमी देखने आती हूँ। अगर पार्ट 2 पे भी काम हो रहा है, आपको समझ तो आ गई होगी कि इट्स जस्ट बिगिन। यस, इट्स अ बिगनिंग, और जो पार्ट 2 है वो इंशाल्लाह जो है मुझे लगता है कि इससे भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, इससे भी बहुत ऊपर जाने। हाँ यस, कास्ट भी, आप यकीन करें कि जब आप ये मूवी देख रहे होते हैं ना, एक सेकंड के लिए भी आप किसी दूसरे से बात करने का आपका मूड नहीं होता, सन्नाटा था वो। यस बिल्कुल, और जब कोई अच्छी फाइट हो रही हो जिसमें आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा हो कि ये कोई आर्टिफिशियल नहीं हो रहा बल्कि रियलिटी बेस्ड हो रहा है, तो वो बहुत ही मज़ेदार इम्पैक्ट होता है। और मैं समझती हूँ कि इट्स अ वंडरफुल आइडिया, और वंडरफुल राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, वंडरफुल। बहुत शुक्रिया आपका नबी हमसे बात करने के लिए, थैंक यू वेरी मच।